नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज रागगिरी में हम आपकी जिस कलाकार से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो सितार वादकों की मौजूदा पीढ़ी में एक बेहद सशक्त नाम है और इसके पीछे है सितार वादन की वो परंपरा, उसका वो समृद्ध इतिहास जिससे वो जुड़ी हुई है। मैं स्वागत कर रहा हूँ अनुपमा भागवत जी का। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, रागगिरी के अंतर्गत इस संवाद के कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा जी, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत में हमेशा अपने कलाकार से विनम्र गुजारिश करता हूं कि वो कोई भजन सुनाए, तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि कोई भजन छेड़िए। और सितार के सुर तो इतने पवित्र लगते हैं यूं भी कि उससे भजन से शुरुआत हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। भजन के तौर पे एक छोटी प्रस्तुति मिश्र पहाड़ी में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत ही विख्यात भजन है। छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने। अनुपमा जी, आप इंटरव्यू शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, और आपका परिवार दक्षिण भारतीय परंपरा का जो संगीत है, कर्नाटिक संगीत है, वहां से आया और उसके बाद उत्तर भारतीय संगीत में उसने अपनी जड़ें गहरी की, कहना चाहिए, क्योंकि आपके पिता, उससे पहले आपके परिवार में और भी कलाकार रहे। तो ये जो शिफ्ट, कहना चाहिए जो शिफ्ट है दक्षिण भारत से उत्तर भारत का, इसके पीछे की वजह क्या थी? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं, दक्षिण भारत से, और दो पीढ़ी पहले, यानी मेरे दादाजी, वो आंध्र से नागपुर पहले आ गए थे और फिर बाद में भिलाई में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट बना, जो जिसमें बहुत से लोग अलग अलग प्रांतों से आए, तो हमारे दादाजी भी फिर भिलाई आ गए थे और वहीं पर मेरे पिताजी और उनके भाई बहन, यानी मेरे ताया जी और बुआ जी, सब उनकी परवरिश वहीं हुई, भिलाई में। और मूलतः आंध्र के होने की वजह से संगीत एक हमारे
लिए एक दिनचर्या की तरह होता था, और हमारी दादी कर्नाटक संगीत सीखी हुई हैं हुई थी, मगर क्योंकि मेरे पिताजी और उनके भाई बहन ये उत्तर भारत में बड़े हुए तो उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत अपनाया। हालांकि ये सब अपनी रुचि के वजह से ही संगीत करते थे, सब अपने अपने प्रोफेशन में इंजीनियर और डॉक्टर बने, और इस संगीत को एक अपने खुद के लिए और एक पैशन के तौर पे उन्होंने इसको रखा जिंदगी भर। और कई मायनों में तो आपका बचपन बहुत सुरीला भी था, क्योंकि आप तो जब उठती होंगी तो मेरे ख्याल से हर तरफ से जो आवाजें आती होंगी वो कहीं सितार बज रहा हो, कहीं तबला बज रहा हो, लेकिन आवाज होती होंगी संगीत की ही। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया घर में हमेशा संगीत का एक वातावरण हमेशा रहता ही था, और संगीत हमारे परिवार में एक रूटीन की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह, जैसे हम भाषाएं सीखते थे, जैसे हम स्कूल जाते थे, वैसे हमारे सब परिवार में सभी लोग, सभी बच्चे सीखते ही थे। और सिर्फ सीखना ही नहीं, हर तरफ से कभी गज़ल, कभी भजन, कभी मतलब शास्त्रीय संगीत तो था ही, इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें हमेशा चारों तरफ मुझे सुनने को मिली, और यही आकर्षित करती रही संगीत के प्रति। अच्छा, मेरे मन में जिज्ञासा अनुपमा जी ये है कि परिवार में इतना समृद्ध परंपरा थी सितार वादन की, लेकिन आपको जब आपने सीखने का फैसला किया तो आपके लिए जो गुरु आए वो बाहर से आए, इसके पीछे की वजह क्या थी? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि घर में संगीत तो था ही, एवं सब इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मान करके इसको रोज़ रियाज करते थे और गाते बजाते थे, मगर किसी ने भी इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया था। मेरे पिताजी और ताया जी सब इंजीनियर और डॉक्टर, यही इन लोगों ने व्यवसाय के तौर पे चुना था, और भिलाई में स्टील प्लांट होने की वजह से वो बहुत उसमें अपना योगदान दे रहे थे। अपने काम में व्यस्त होने की वजह से मुझे उतना समय नहीं दे पाएंगे, ये सोच करके उन्होंने वहाँ पर भिलाई में ही बहुत अच्छे हमारे सितार के जो सर थे श्री आर एन वर्मा जी, उनको मेरी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मेरे पिताजी ने आग्रह किया, एवं एक 3-4 साल बाद वर्मा सर ने, मेरे अंदर शायद कोई प्रतिभा दिखी होगी उनको, उन्होंने ही कहा कि हम सबके सौभाग्य से भिलाई में ही संगीत के बहुत बड़े विद्वान एवं आचार्य पंडित बिमलेंदु मुखर्जी साहब रह रहे हैं, एवं ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर मुझे उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। तो वर्मा सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि हम वहाँ जाएं और गुरुजी से आगे तालीम की दरख्वास्त करें। हमने वही किया, और एक शायद 12-13 साल की उम्र में मैंने गुरुजी से अपनी तालीम का प्रारंभ किया। 2008-09 तक मेरी शिक्षा चलती रही गुरुजी के छत्रछा में ही, और 2010 में गुरुजी ने अपना देह त्याग दिया, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि आज भी वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है, और मैं, मेरा भूरी भाग है कि मुझे ऐसे एक परम विद्वान के पास अपना संगीत की शिक्षा का एवं मार्गदर्शन, ना ही सिर्फ संगीत बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है और देते रहेंगे। तो यही मैं, मुझे बताना है अपने संगीत के प्रारंभिक एवं बाद की शिक्षा के बारे में। अनुपमा जी, इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कोई एक शास्त्रीय राग हमें जरूर सुनाइए। जी जरूर, सावन का महीना शुरू हुआ है और बारिश की ऋतु है, तो थोड़ा सा राग मेघ में आलाप
सुनाती हूँ, राग मेघ। अनुपमा जी, थोड़ी देर पहले अभी हमने आपसे आपके पहले गुरु के बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि उनके बाद जो आपने सितार वादन की बारीकियां सीखी, उस सफर में और भी गुरुओं के पास आपने तालीम ली होगी, उनके बारे में भी हमें बताइए। जी हाँ बिल्कुल। मेरे गुरु जी आचार्य पंडित बिमलेंदु मुखर्जी साहब ना सिर्फ सितार के बल्कि कई वाद्यों के बहुत ही गुणी कलाकार रहे, एवं मुख्यतः सितार की शिक्षा उन्होंने उस्ताद इनायत खान साहब से ली थी, एवं बाद में खान साहब के चले जाने के बाद उनके कई वरिष्ठ संगीत शिष्यों के साथ एवं और भी जो दिग्गज कलाकारों के साथ वैचारिक आदान प्रदान में गुरुजी ने एक अपनी विचारधारा को बहुत ही मजबूत किया, एवं उसी को वो हम सब शिष्यों के साथ बांटते थे। तो ये जो घराना इमदाद खानी घराने के नाम से जाना जाता है, ये इटावा घराना भी कहलाता है, इटावा जगह के नाम से।
मगर गुरुजी की ये सोच थी कि जिस उस्ताद ने इस बाज को आगे बढ़ाया, उस्ताद इमदाद खान साहब, उनके नाम से इस घराने को जाना जाना चाहिए, और इसलिए ये नाम भी काफ़ी प्रचलित रहा। उस्ताद इमदाद खान साहब के बेटे उस्ताद इनायत खान साहब और उनके बेटे उस्ताद विलायत खान साहब, ये परंपरा चलती रही। और इसी के जो खासियत रही वही हमको भी गुरुजी ने समझाया और हमने कुछ सीखने की कोशिश की। उस्ताद विलायत खान साहब और उस्ताद इनायत खान साहब, ये सब इस घराने को, सितार तो सभी बजाते थे और माशाल्लाह बहुत ही सुंदर, मगर इसमें एक गायकी अंग को भी आगे बढ़ाया। यानी गायन की जितनी भी विशेषताएं हैं उन सबको सितार में लेके आने की एक समन्वय इसका करवाया। सितार, जैसे आपको मालूम है कि ये एक तंतु वाद्य है, ये प्लक्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें जो एक कंटिन्यूटी जो गायन में होती है वो मिलनी थोड़ी मुश्किल है, मगर इसमें भी आस और इसके जो सस्टेन है उसको अच्छी तरह से उसका प्रयोग करते हुए और उसको यूज़ करते हुए जो एक गायन की शैली को इसमें दर्शाया गया, और यही हम भी कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस घराने की एक खासियत माना जा सकता है। इस घराने में आप देखेंगे कि तानों में बहुत विशिष्टता और बहुत अलग अलग तरीके के छंद, ये सब का भी बहुत प्रयोग हुआ है, और आलापचारी सितार में ही नहीं सुरबहार में भी किया जाता है। और जैसे उस्ताद इनायत खान साहब और विलायत खान साहब, उस्ताद इमदाद खान साहब, ये सब लोगों ने सुरबहार को भी बहुत प्रचलित किया, तो सुरबहार में आलाप जोड़ बजाने के बाद गतकारी वो सितार में करते रहे। पंडित बुधादित्य मुखर्जी, जो हमारे गुरुजी के सुपुत्र हैं और हम सब के एक आदर्श सितार वादक हैं, उन्होंने भी सुरबहार और उसके बाद सितार को में इस घराने की विशिष्टताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से निखार कर प्रस्तुत किया है। और हम जो गुरुजी के शागिर्द हैं, हम सब भी थोड़ा थोड़ा इसको कोशिश करते हैं बजा सकें। अनुपमा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला है, इसके लिए फिर मैं धन्यवाद दूं, और उससे पहले गुजारिश यही करूंगा कि चलते चलते कोई उपशास्त्रीय संगीत की कोई चीज जो आप हमें सितार पे सुनाना चाहें प्लीज हमें सुनाइए। जी, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई रागगिरी में यहाँ आपके साथ जुड़ने का, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत एक छोटी सी धुन आपके सामने प्रस्तुत है, भटियाली धुन। ये उस्ताद विलायत खान साहब की कॉम्पोजिशन है एवं दादरा में निबद्ध है, और पूर्व भारत की ये लोक गीत के ऊपर आधारित है और बहुत ही प्रख्यात सेमी क्लासिकल धुन है। सो राग भटियाली धुन।
पद्मा जी आपने हमारे लिए समय निकाला, आप रागगिरी से जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।